हाय दोस्तों, आपका स्वागत है डेक्कन व्हील्स में। और आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा प्रॉफिट ट्रक मिनी की। कुछ ही दिनों पहले हमने प्रॉफिट ट्रक मिनी की वीडियो की थी, बट उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि हमने उस टाइम पे एक ही वेरिएंट के बारे में बात किया था। देखिए दोस्तों, महिंद्रा प्रॉफिट ट्रक मिनी में दो वेरियंट आते हैं, ये शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमने दो वेरियंट को यहाँ पे कंपेरिजन किया है। तो देखिए, महिंद्रा प्रॉफिट ट्रक मिनी में दो वेरियंट आते हैं, जिसमें उसका जो मेजर डिफरेंस, सबसे बड़ा बदलाव है LX और VX। LX जो है, इसकी पेलोड है 800 kg की, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात नहीं की थी। इसलिए देखिए दोस्तों, प्रॉफिट ट्रक मिनी की खास वीडियो मैंने बनाई है, जहाँ पे आपको LX और VX के बारे में पूरी तरह से फर्क क्या है ये आपको मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के जरिए। तो LX में जो है 800 kg की पेलोड है, VX जो है इसकी पेलोड है 900 kg की। तो देखिए, अगर इंजन की बात करें LX और VX में अगर आप कंपेयर करते हैं, तो दोनों की इंजन सेम है। ऐसे नहीं कि LX के लिए अलग सा इंजन है और VX के लिए अलग सा इंजन, दोनों का इंजन सेम है, ट्विन सिलेंडर DI इंजन आती है जो 909 cc की इंजन है। और अगर पावर की बात करें, 26 HP का इंजन है और टॉर्क जो है 55 Nm, यहाँ पे टॉर्क 55 Nm का टॉर्क आपको मिल जाती है। अगर गियर्स की बात करें तो इसमें 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर आपको मिल जाती है। तो देखिए, इंजन के मामले में LX और VX में तो फर्क नहीं है। पेलोड की बात करें तो पेलोड, जैसे मैंने कहा कि LX की जो पेलोड है ये 800 किलो है और VX की जो है 900 किलो आपको मिल जाएगी। अगर माइलेज की बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात है कि महिंद्रा ने फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी सुप्रो मिनी ट्रक और मैक्सी ट्रक में लाई थी। देखिए, ये जस्ट फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, इसका एक एडवांटेज है, यहाँ पे एक बटन आती है डैशबोर्ड में जिसमें पावर, PWR मतलब पावर है, ECO मतलब इको है। पावर और इको कब काम करता है, अगर आपकी फुल लोड है, अगर आपकी गाड़ी फुली लोडेड है, अगर आपको पावर की जरूरत है, बस यहाँ पे बटन दबा दीजिए तो आपकी गाड़ी ज्यादा पावर डिलीवर करेंगी और फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा कम होगा, जो माइलेज है कम होगा। अगर आप इको यूज करते हो, अगर गाड़ी खाली चल रही है, मतलब गाड़ी में कोई भी लोड नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप गाड़ी को इको मोड पे चलाइए। अगर आप इको मोड पे चलाते हो तो जो फ्यूल की खपत है, जो डीजल की खपत है, वो कम रहेगी, ठीक है, और उधर पावर की आपको जरूरत तो थे नहीं। तो ये जो स्विच है, जो फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये जो चीज़ LX में नहीं है, बट ये सिर्फ और सिर्फ VX में आती है। तो उसी कारण आप देख सकते हो माइलेज जो है LX की, ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं 22.02 KMPL के आसपास मिल जाता है, और इसकी जो माइलेज VX की वो 23.30 KMPL के आसपास मिल जाता है। देखिए, VX से जो माइलेज है थोड़ा सा ज़्यादा है, और वो ये एक कारण के वजह से जो है फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में LX में आपको नहीं मिलेगा और VX में आपको मिल जाता है। बहुत ही अच्छा फीचर है ये, और बहुत सोच समझ के फीचर बनाया हुआ है, बट दुर्भाग्यवश वो एक ही मॉडल में आपको अवेलेबल जो है VX। सस्पेंशन की बात करें, यहाँ पे आपको फर्क दिखाई देगा। अगर सस्पेंशन में जो आप लीफ स्प्रिंग की बात करते हैं, तो फ्रंट में आगे की तरफ LX में 7 लीफ स्प्रिंग आते हैं, बल्कि VX में 8 लीफ स्प्रिंग आपको मिल जाएंगे। अगर पीछे की बात करें तो पीछे LX में 7 लीफ स्प्रिंग है और VX में भी 7 लीफ स्प्रिंग। देखिए दोस्तों, लीफ स्प्रिंग की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे VX में एक लीफ ज़्यादा है आगे की तरफ, तो ये लीफ स्प्रिंग होता है। इसमें जो टोटल लीफ स्प्रिंग है, मतलब आप देख सकते हैं इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे पट्टियाँ लगा के रखी है, तो LX में आगे पीछे 7 मिलेंगे, VX में आगे 8 और पीछे 7 मिल जाएंगे। क्रॉस व्हीकल वेट, पूरी गाड़ी की वेट लोडिंग के बाद कितनी होती है, मतलब गाड़ी की वेट और पेलोड दोनों मिला के वेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे LX का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है 1802 किलो का है, और यहाँ पे देख सकते हैं 1975 किलो का आपका VX का पेलोड है, सॉरी ग्रॉस व्हीकल वेट है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो फर्क है आपको यहाँ पे भी दिख जाता है, लीफ स्प्रिंग जो है वो फर्क आपको है। टायर की बात करें, यहाँ पे भी बहुत बड़ा एक फैक्टर आपको दिखाई देगा, टायर जो है LX और VX में फर्क आता है। टायर का साइज आप देखेंगे 145 R12 8 PR की यहाँ पे आपको LX में मिलती है, VX की बात करें तो 155 R13 8 PR की। देखिए 145 ये जो है और 155 ये टायर की विड्थ है, मतलब टायर की चौड़ाई। अगर टायर का विड्थ अच्छा खासा है तो आपको जो है हाई स्पीड में जो गाड़ी चलाते हो तो रोड में पकड़ अच्छी रहेगी और सेफ्टी अच्छी रहती है। तो LX में जो है टायर थोड़ी पतली सी है VX के मुकाबले। टायर की
रिम साइज की बात करें तो R12 12 इंच की व्हील आपको मिल जाती है, LX में, और VX में है 13 इंच 13 इंच की व्हील मिल जाती है। फ्लाई रेटिंग दोनों की 8 है, बट यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क है साइज में है। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं LX जो है बजट गाड़ी आप बोल सकते हो, VX जो है ये थोड़ा आपको एक्सटेंड करना पड़े, अगर आप पैसे खर्च करते हो तो आपको अच्छी खासी मॉडल मिल जाती है जो है VX। अगर हम कार्गो डेक की डायमेंशंस की बात करें, देखिए सबसे जब सुप्रो की सुप्रो प्रॉफिट ट्रक या मिनी ट्रक की जो डायमेंशन की बात करें, ये अच्छा खासा सेगमेंट में एक है। तो आप देखेंगे अगर लंबाई की बात करें LX और VX में, इधर ना लंबाई में फ़र्क है ना चौड़ाई में फ़र्क है, मतलब आपको जो लंबाई है 7.5 फुट की लंबाई वाला डेक आपको मिल जाता है और चौड़ाई 5 फीट के डेक आपको मिल जाते हैं। LX हो या VX, यहाँ पे उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो किया नहीं है। तो अच्छा खासा लोड आप इस सुप्रो प्रॉफिट ट्रक मिनी और प्रॉफिट ट्रक मैक्सी में आप लेके जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैक्सी का हम डायमेंशन आगे के वीडियो में देख लेंगे। सिटिंग कैपेसिटी की बात करें, देखिए दोस्तों इंटीरियर में फर्क है। अभी आप ये जो इंटीरियर देख रहे हैं ये VX का है। अगर आप देखेंगे D+1 सीटिंग दोनों तरफ, ड्राइवर और एक आदमी यहाँ पे बैठ सकता है, बट LX में जो है बकेट आता है। बकेट यानी जो ड्राइवर सीट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ड्राइवर सीट जो है ये बकेट बोलते हैं, और ये जो साइड में को ड्राइवर सीट या बेंच है, बेंच मतलब थोड़ी लंबाई रहती है, ज़्यादा रहती है। तो बकेट में क्या होता है, ड्राइवर और को ड्राइवर की अलग से सीट होती है, बेंच जो है को ड्राइवर के समय थोड़ी उसकी जो चौड़ाई है थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसका गुण दो है दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हो, अगर लंबी यात्रा कर रहे हो, अगर आप सोना चाहते हो गाड़ी में, देखिए बहुत छोटी सी चीज़ें बट बहुत महत्वपूर्ण है भी, अगर आप सोना चाहते हो गाड़ी के अंदर थोड़ी देर के लिए, आप बहुत लंबी ड्राइव या करके आए हो, बहुत थक गए हो, आप सोना चाहते हो, तो आप आसानी से इस पर सो सकते हो बेंच वाली सीट में। बकेट में पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको हैंड ब्रेक खींच लेना पड़ेगा, गियर को फर्स्ट में डालते हैं गाड़ी ऑफ करने के बाद, और आप आराम से आप सोते हो, क्योंकि कि दोनों एक ही हाइट पे। तो ये एडवांटेज होता है बेंच की जो VX में ही मिलता है, LX में बकेट आपको मिल जाता है। तो सबसे बड़ा फर्क इंटीरियर में ये है, और जैसे हमने कहा कि आप इंटीरियर में देख सकते हैं यहाँ पे हेडरेस्ट आपको मिलता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मिनी ट्रक जो है इसकी बात है। प्रॉफिट ट्रक मिनिमम को हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको प्रॉफिट ट्रक मैक्सी में हेडरेस्ट जरूर मिलेगा। हेडरेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सेफ्टी के लिहाज से, बट प्रॉफिट ट्रक मिनी में हमको मिलता नहीं है। इंटीरियर्स की बात करें तो बेज इंटीरियर्स आपको मिल जाते हैं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं बॉडी कलर भी आ जाते हैं ऊपर जो रूफ लाइन में, सभी बेज कलर के, तो गाड़ी के जो इंटीरियर है थोड़ी लग्जरियस टाइप है, आपके जो कार टाइप जो बोलते हैं उस तरह से दिक्कत देती है। महिंद्रा की बहुत सारे गाड़ियों में आप देख सकते हैं, पैसेंजर गाड़ियों में भी आप देख सकते हो बेज इंटीरियर्स का अच्छा खासा यूज़ किया है, जिस कारण कैबिन थोड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो LX में आप देखेंगे यहाँ पे D+1 बकेट है, और VX में D+1 बेंच आपको मिल जाता है। अगर कन्वीनियंस की बात करें तो LX में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, जो 12 वोल्ट सॉकेट होती है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप दिख रहे हैं यहाँ पे जो डैशबोर्ड के नीचे है 12 वोल्ट सॉकेट होते हैं जहाँ पे आप मोबाइल चार्जर लगा सकते हो, ये आपको LX में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ VX में ही मिलेगा। अगर फ्लोर मैटिंग की बात करें, LX में विनाइल कारपेट आता है, और यहाँ पे VX में आपको प्रॉपर फ्लोर मैट फ्लोर कारपेट आपको मिल जाएगा, जिस कारण जो फ्लोर है गाड़ी की ये जो नीचे की एरिया है ये अच्छी खासी क्लीन रहेगी। एक्सेसरीज के दौरान आप LX में कारपेट लगा के ले सकते हो, बट फैक्ट्री फिटेड आपको VX से मिल जाता है। तो ये खास बात है VX की यहाँ पे। दूसरी चीज़ों की बात करें तो ब्रेक्स, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं है, आगे डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक्स LX और VX में मिल जाती है। व्हील बेस जो है दोनों गाड़ी की सेम है, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं है। टर्निंग रेडियस की बात करें 4.8 मीटर इसके टर्निंग रेडियस की बात है। देखिए दोस्तों, टर्निंग रेडियस क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब सिटी के अंदर गाड़ी चलाते हो आप एक ही टर्न में गाड़ी घुमा सकते हो, जितना टर्निंग सर्कल रेडियस कम होता है उतने फट से आप गाड़ी यू टर्न मार के निकाल सकते हो। मैक्सिमम स्पीड जो है ये 70 km/h का है, ये LX हो या VX इधर भी कोई फर्क नहीं है, और डीजल टैंक कैपेसिटी है 30 लीटर की। तो देखिए दोस्तों, इन ऑल अगर आप LX और VX को कंपेयर करते हैं तो जो डायमेंशन है उसमें तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क है जो उसके परफॉर्मेंस में असर दिखाता है। तो LX की परफॉर्मेंस में थोड़ी सी देखोगे तो थोड़ा कम है VX के मुकाबले।
अगर वारंटी की बात करें तो वारंटी में भी कोई यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 3 साल या 80,000 किलोमीटर की वारंटी जो पहले आता है उसकी वारंटी आपको मिल जाती है, वो LX हो या VX, तो वारंटी में यहाँ पे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो महिंद्रा ने उसका खास ध्यान दिया है। अभी हम बात हैं इसकी कीमत की। अभी एक शोरूम पुणे, पुणे के हिसाब से आप देखेंगे तो महिंद्रा प्रॉफिट ट्रक मिनी जो LX है उसकी प्राइस आप देख सकते हैं 5,38,000 यहाँ पे उसकी प्राइसिंग है, और VX की बात करेंगे तो 5,63,000 है। देखिए दोस्तों, VX जो है कम से कम 25,000 रुपये ज़्यादा कीमत पे आती है LX के मुकाबले। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे LX और VX में अच्छा खासा फर्क है। पहले आप देखेंगे तो इसमें टायर साइज कम आता है, इसमें जो इंटीरियर की बात करें तो आपको यहाँ पे बकेट सीट मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे इसके सबसे माइलेज इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें पावर इको बटन की मोड नहीं आती है। LX की जो माइलेज है वो कम है, LX में लीफ स्प्रिंग कम है। तो ये सब चीज़ों की वजह से आप देख सकते हैं कि LX जो है प्रॉपर बजट बाई है। तो 5,38,000 की LX है और 25,000 आप ऊपर ऐड करेंगे तो आपको VX के मॉडल मिल जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, हाँ मैं जो हूँ अगले वीडियो में जीतो और प्रॉफिट ट्रक मिनी LX के बीच में कंपैरिजन करना चाहूँगा, ताकि हमें मालूम पड़ेंगे कि जीतो और प्रॉफिट ट्रक मिनी LX में कौन सा अच्छा है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जीतो से थोड़ा अगर आप खर्च करते तो LX आपको अच्छा बजट में आएगा। VX थोड़े महंगाई की तरफ है, बट हाँ VX का उसका फ़ायदा भी है। तो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है कि LX उसके लिए अच्छा है या VX अच्छा है। अगर हम फोटो की बात करें तो डीलरशिप में गाड़ियाँ आ गई है, महिंद्रा प्रॉफिट ट्रक मिनी और मैक्सी दोनों गाड़ियाँ डीलरशिप में आई है। बस कुछ कारणों की वजह से हमें पूरा डिटेल्ड वॉक और रिव्यू करना अभी तो मुश्किल है, बट हाँ कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं जो हमें मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, और ये है महिंद्रा प्रॉफिट ट्रक मिनी VX की फोटोग्राफ। तो बम्पर देखेंगे यहाँ पे, बॉडी कलर बम्पर तो आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि ये प्रॉफिट ट्रक मिनी है। उसके बाद बहुत ही स्टाइलिश हेडलैम्प मिल जाते हैं। ग्रिल पे किसी भी तरह का डेकोरेशन कुछ भी नहीं है। बम्पर जैसे मैंने कहा बॉडी कलर नहीं है। यहाँ पे जो है ये फॉग लैम्प नहीं है बट ये रिफ्लेक्टर्स है यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं। इंटीरियर की बात करें थोड़ा यहाँ पे आपको बेज कलर का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा और ब्लैक ब्लैक बेज कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस डैशबोर्ड पे दे रखी है। यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे ग्लोव बॉक्स है जो लॉकेबल है। किसी भी तरह का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नहीं मिलेगा इधर। 12 वोल्ट सॉकेट जो मोबाइल चार्जिंग सॉकेट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ VX में ही मिलेगा, LX में आपको मिलेगा नहीं। इसे इंटीरियर की बात करें, ये VX का डैशबोर्ड है तो बहुत ही बढ़िया देखने वाला इंटीरियर आपको मिल जाता है। यहाँ पे AC नहीं मिलेगा, एयर कंडीशनिंग यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा प्रॉफिट ट्रक मैक्सी में। सीट्स की बात करें जैसे मैंने कहा आपको मिनी वी में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा ड्राइवर साइड पे। बाकी लिया से इंटीरियर्स बहुत ही सिंपल और अच्छे खासे इंटीरियर है जो आपका काम चला लेता है। यहाँ पे कुछ कप होल्डर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे नीचे। फ्लोर माउंटेड गियर लीवर है तो बहुत ही आरामदायक है प्रॉफिट ट्रक मिनी चलाना। यह रहा प्रॉफिट ट्रक मिनी VX का डोर ट्रिम, ये बेज कलर में भी आता है, बेज कलर में ही आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ये ग्रैब हैंडल है, और यहाँ पे जो है विंडो रोल अप रोल डाउन करने का एक लीवर यहाँ पे मिल जाता है। और डिजाइन जो है अच्छी खासी ट्रीटमेंट, मतलब एकदम प्लेन डोर दे नहीं रखी है बट अच्छा खासा ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको दिख जाता है, जो अंदर का जो कैबिन जो है स्टाइलिश थोड़ा दिख जाता है। तो ये रहा व्हाइट कलर में, जैसे मैंने कहा AC के वेंट्स आपको यहाँ पे मिलेगी नहीं। इस तरफ आपको पावर और इको मोड का बटन जो है वो मिल जाता है, हेडलैम्प लेवल एडजस्टिंग का मिल जाता है यहाँ पे बटन्स। इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत ही शानदार है, मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो कार होती है कार के जैसे एक स्पीडोमीटर क्लस्टर मिल जाती है, बहुत ही आधुनिक स्टाइल वाली स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाती है।
आगे बढ़ते हुए, तो प्रॉफिट ट्रक मिनी जो है ये 3 कलर में उपलब्ध है। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, लाल कलर जो है बहुत ही शानदार कलर है, उसके बाद एक ब्लू कलर की गाड़ी भी आपको मिल जाती है, और एक वाइट जो सबके पसंद का कलर है। ये ऐसे 3 अच्छे रंगों में आपको ये गाड़ी मिल जाती है, प्रॉफिट ट्रक मिनी PX जो है आपको मिल जाती है। देखिए दोस्तों, तो इतना ही था डिफरेंस सुपर प्रॉफिट ट्रक मिनी और LX और VX के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल जो है टेक एंड व्हील्स उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी हम वॉकअराउंड वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चालू है, कुछ जगह पे डीलरशिप खुली नहीं है, तो हमारी कोशिश यही है कि हम जल्द से जल्द आपके सामने वॉकअराउंड वीडियो लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।